फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरह के शरबत। गर्मी के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि दोनों शरबत जो है आपके शरीर को ठंडक प्रदान करेगा, और पुदीने का जो शरबत है वो आपके शरीर की वसा को भी कम करने में सहायता देता है, और सौंफ का शरबत जो है वो आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देगा, गर्मी से राहत देगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बनाते हैं दोनों तरह के शरबत। नींबू पुदीना शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो नींबू लिया है, एक कटोरी पुदीना लिया है, और चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने चार बड़े चम्मच चीनी लिए हैं। तो हम पहले नींबू का रस निकाल लेते हैं। रस निकालने के लिए नींबू को मैंने काट लिया और इसे निचोड़ लेते हैं। एक इंच अदरक को छील के और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले लेते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके पास अगर इसका पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं पुदीना, चीनी, थोड़ा सा पानी। अब इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये अच्छे से पिस गया, अब हम इसमें डाल देते हैं ठंडा पानी 2 ग्लास। एक बार इसे फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसको निकाल लेते हैं ग्लास में छान के। ये पुदीने का शरबत बनके तैयार हो गया। अब हम सौंफ का शरबत बनाते हैं। सौंफ का शरबत बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच सौंफ लिया, बड़े वाले चम्मच से 3 चम्मच सौंफ है, उसमें पानी डाल के आधा कप, और इसे फूलने के लिए डाल दिया था। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन फूला हुआ सौंफ का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। और 1 कप चीनी है, चीनी जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मीठा ज़्यादा पीना चाहते हैं तो आप ज़्यादा चीनी डाल लें, नहीं तो कम, 5 से 6 ये हरी वाली इलायची है। तो पहले हम इसको पीस लेते हैं। तो उसके लिए एक जार ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे सौंफ, और ये सौंफ जो जितना भी पानी आप ले उसके साथ ही डाल दे पीसने के लिए, इसका पानी ना हटाए। तो इसी पानी से हम पीस लेंगे, और एक्स्ट्रा पानी लगेगा इसमें वो और हम डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची और चीनी, और आधा कटोरी ठंडा पानी। अब इसको हम पीस लेते हैं। ये मैंने ऐसे अच्छे पीस लिया, अब इसे हम छान लेते हैं। ये सौंफ का शरबत जो है वो शरीर को ठंडा रखेगा गर्मी में, तो इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये मैंने अच्छे से छान लिया, अब इसका पल्प हम हटा लेते हैं।
अब हम इसका शरबत तैयार कर लेते हैं। तो ग्लास में हम बर्फ ले लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले, नहीं तो नहीं। और जो हमने ये मिश्रण तैयार करके रखा है वो डाल देंगे, आधा ग्लास कर लेंगे इसका। और ऊपर से हम डाल देंगे ठंडा पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा काला नमक या नींबू नहीं डालेंगे, नहीं तो ये सौंफ का शरबत जो है वो सिकंजी बन जाएगा। अब इसे सजाने के लिए सिर्फ थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल दें। ये हमारा सौंफ का शरबत बनके तैयार हो गया।